हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमृत कौर। आई होप आप अपने घर में सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के प्रतिमान। कल हमने उसके अर्थ को समझने की कोशिश की थी कि मॉडल्स कौन कौन से हो सकते हैं जो हम टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज उसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं टीचिंग मैथड मॉडल्स में, यानी कि जो हमारी अवधारणाएं हैं शिक्षण प्रतिमानों में, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अब इसमें सबसे पहला जो है वो है रायंस के विचार में, कि जो हमारे एक रायंस ने इसके बारे में क्या कहा है। तो जो हमारे मेथड हैं, वह वस्तु है, जो हमारे मॉडल्स हैं, उसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं जो हमें उस विशेष विषय के विश्लेषण और प्रशिक्षण यानी कि एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन करने का स्वरूप तैयार करती है। यानी कि हम किसी चीज़ को एनालिसिस भी करें, उसका विश्लेषण भी करें और उसका ऑब्जर्वेशन भी करें, उस प्रारूप को वो तैयार करती है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो इस मॉडल की मदद से ठीक वैसी ही वस्तु को बड़े आकार में या उसके सही आकार में निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि अगर हम स्टूडेंट को ताजमहल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, हम क्लास में ताजमहल को पेश नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसका एक छोटा प्रारूप देना होगा। उसी तरीके से जैसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए बिल्डर पहले छोटा प्रारूप बनाते हैं और उसी के आधार पर फिर वो बिल्डिंग तैयार करते हैं, इसको भी उसी हिसाब से माना गया है कि बड़े आकार की वस्तु को या उसके सही आकार का निर्माण करने के लिए हमें पहले इन्हीं मॉडल्स का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन सही आकार देने के लिए प्रतिमानों को ही सभी बारीकियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। अगर मॉडल बिल्कुल बारीकियां तैयार करेगा, तभी हम उसके जो है उसका जो प्रारूप तैयार करेंगे वो बिना कमियों के हमारे सामने आएगा। ठीक उसी तरह शिक्षण प्रतिमान जो है हमारे, जो हमारे टीचिंग मॉडल्स को एक योजना के अनुसार यानी कि एक स्ट्रेटजी के अनुसार बनाकर उसमें जो हमारे जो पाठ्यक्रम होता है यानी कि जो हमारे कंटेंट होता है उसको चुनना चाहिए। अनुदेशन सामग्री जैसे हमारी ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह हैं, इन सब का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इन सब के साथ शिक्षण कार्यों का निर्देशन करके, हम इन सब का यूज़ करके अपने मॉडल्स द्वारा जो हमारी जितनी भी शिक्षण नीतियों को है उनको हम निर्धारित करते हैं। दूसरी हमारी जो इसमें अवधारणा है वो है जायसन वेल की तरफ से। टीचिंग मॉडल्स आर जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, दे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर एनवायरमेंटल सिचुएशंस विच कॉज द स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन सच वे देन स्पेसिफिक चेंजेस ऑस्कर इन हिज बिहेवियर। यानी कि जो शिक्षण प्रतिमान है हमारे, वो मात्र अनुदेशन की रूपरेखा होते हैं। यह विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया है जो स्टूडेंट को अंतःक्रिया करती है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, स्टूडेंट उसके साथ अपने बिहेवियर को चेंज करने में खास परिवर्तन कर सकते हैं जो उनके चेंजेस होने हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक अवधारणा है एन के जांगरिया और अजीत सिंह के द्वारा। ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ गाइडलाइंस ऑफ रियलाइज स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि एक ऐसा प्रतिमान जिसमें अंतः संबंधित तत्वों का समूह है जिसके जिससे इस तरह के अनुक्रमानित किया जाता है। बाय दिस वी डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एंड एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ कैरिंग आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उनमें विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुदेशन प्राप्त हो। यह अनुदेशन क्रियाओं एवं जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे संबंधित जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं उसका प्रारूप तैयार करने, इन क्रियाओं के क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी हेल्प पूर्ण रूप से कर सकता है। इसमें हमारी एक नेक्स्ट अवधारणा है पॉल डी ईडन के अनुसार। वो मानते हैं टीचिंग मॉडल्स आर प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज डिजाइन टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल, यानी कि शिक्षण प्रतिमानों से तात्पर्य जो हमारे टीचिंग मॉडल्स हैं
उनसे हमें क्या समझना चाहिए, विशिष्ट अनुदेशनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचनाओं से होता है। स्टूडेंट, जैसे कि हमने इसके आज अवधारणाओं के बारे में डिस्कस किया है, उसी तरीके से हम कल इससे रिलेटेड एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।